खबर इंडस्ट्री में इनकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, इनकी हाइट बहुत अच्छी है, इनका काम करने का तौर तरीका बेहतर है। ये चीज़ें है कि अब इनकी चीज़ों को देखी जा रही है, नोटिस की जा रही है, पहले चीज़ें नोटिस नहीं होती थी। तो सबका योगदान कहीं ना कहीं देखिए, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, शायद यही समय था इनके लिए और एक अच्छा बेहतर कर रही हैं। जब आप बेहतर करने आपको आता है तो दुनिया का कोई भी आदमी अगर बेहतर आपका हाथ पकड़ के अगर आगे चलाएगा, आपको दौड़ने नहीं आएगा तो हम आपको चला भी नहीं सकते, आपको चलने नहीं आएगा तो हम आपको दौड़ा भी नहीं सकते। तो ऐसे नहीं है कि यामिनी को मैंने सिखाया है, नहीं, इनके अंदर बातें थी, हमने थोड़ा सा पूछ किया कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, तो हमने इनको थोड़ा सा एक हाइट दी, एक सीढ़ी दी और ये सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते छत पर चढ़ गई। तो कहीं ना कहीं आपको चढ़ना आना चाहिए, आपको वो लेवल समझ में आना चाहिए कि मेरा काम क्या है। अब जब आपको काम ही नहीं आएगा तो हम आपका हाथ पकड़ लें, पैर पकड़ लें या आपको हम कंधे पर बैठा लें, आप वही करोगे जो आप करते आए। तो इसलिए उसका भी योगदान होता है, चाहे जिन लोगों के साथ मैं काम किया, ऐसा नहीं कि मैं इन्हीं के साथ काम करता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ काम करता हूँ, लेकिन उनके करियर में ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती है बिकॉज कि कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हैं और उनको लगता है कि बेहतर कर रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत बेहतर हैं, इसलिए शायद अभी तक बेहतर नहीं बन रहा। तो जो आदमी अपने आप को पहले ही बेहतर बता देगा कि मैं बहुत बेहतर हूँ, वो जीवन में बेहतर कर ही नहीं पाएगा। हम अपने आप को बेहतर बना के खुश नहीं, हमें अगर दुनिया बेहतर बोलती है तो शायद हमारी जीवन सार्थक है, अदरवाइज नहीं है। आप ऐसे करते रहिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं। क्या बात है सर, यही वजह है कि सर को मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है, इंस्पिरेशन है। और जैसे यामिनी जी को मैं हमेशा ही चुलबुली एक्ट्रेस के तौर पे देखा है, उनका वैसे रोल्स भी होते, जितनी भी फिल्में इन्होंने की है, किसी में वो पागल किरदार करती हैं तो किसी में पागल दुनिया को दिखा सकता है। और मैं लगातार इनके साथ तीन मूवी की, एक लंदन में किया, एक गोरखपुर में की और मैं गॉडफादर कर रहा हूँ, और आने वाले भविष्य में भी हम एक दूसरे के साथ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और दुनिया में कोई किसी को बनाता नहीं है, इनकी जुबान से मैंने कई बार सुना है कि इनके लिए मैं गॉड फादर, बट ऐसा नहीं है। जीवन में अगर आप बेहतर नहीं करोगे तो दुनिया का कोई भी आदमी आपको बेहतर नहीं बना सकता। आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो, आप अगर पढ़ाई बेहतर नहीं किए हो, तो दुनिया का कोई भी इंटरव्यू आप पास नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको काम आएगा तभी हम आपको आगे लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज जब आपको काम ही नहीं आएगा तो आपको कौन ऊपर लेके जाएगा। मेरे लिए मुझे लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे गॉड फादर जिन्होंने मुझे अगर एक पल भी सिखाया है, एक पल भी बताया है, मेरे जीवन में अगर इतना भी उनका योगदान है तो मेरे लिए गॉड फादर है। और वैसा ही कुछ कहानी हम लोगों ने भी इस कहानी से जोड़ा है गॉड फादर से, कि अपने ही अपने नहीं होते हैं, आप अपनों के लिए बहुत कुछ करते हो सकता है कि अपने आपके नहीं हो पाए, और आप किसी और के लिए किए और आपको बहुत प्यार करने लगा और आपको सम्मान से लेकर हर चीज़। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनों के लिए ही सिर्फ करो, आपको अगर मौका मिलता है, अगर आपके विचारधारा में वो चीज़ें हैं तो आप दुनिया के लिए भी करो, दुनिया आपको अपना मानेगी। आपके अपने तो आपको फादर मानते ही हैं, आपके बच्चे, आपके बेटी, आपके बेटा, आपके नाती पोता, हर आदमी तो आपको मानता ही है। लेकिन अगर आप वही चीज़ें सेम अगर दुनिया के लिए करो तो शायद आप दुनिया के नज़र में एक हीरो बन जाते हो और गॉड फादर बन जाते हो। और वैसा ही चीज़ हमने इसमें किया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लोगों के नज़र में, आप चार लोगों के नज़र में अगर गॉड फादर बनते हो तो कोई मतलब नहीं। अगर इस दुनिया में अगर आए हो तो पूरी दुनिया के लिए गॉड फादर बनो, आपकी अगर क्षमता में है, वो आपकी सोच में है, विचारधारा में। तो मेरी कोशिश यही है और वही ये फिल्म है, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर सब लोग हैं, इनके इसके लाइट मैन तक, एक कैमरा मैन से लेकर लाइट मैन से लेकर डायरेक्टर से लेकर हीरोइन से लेकर हीरो से लेकर स्पॉट बॉय तक, कैमरा इक्विपमेंट जो है, जो कैमरा दिया है वो भी इसका प्रोड्यूसर है। सर कैसे? इसलिए क्योंकि ये टेक्नीशियन फैक्ट्री है, क्या नाम है इसका, टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री। हाँ, टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री। तो ये टेक्नीशियन को मैंने इस बार सोचा ही नहीं यार, ये हमारे पीछे काम करते हैं और हमें इतना बड़ा बनाते हैं अपने लाइट से, अपने कैमरे से, तो इनके लिए मुझे मौका देना चाहिए, ये भी चाहते हैं कि हम कुछ करें। तो जब हम किसी सबको मौका दे रहे हैं तो कहे नहीं इनको भी मौका दिया जाए और इनको भी उस लेवल पे खड़ा किया जाए ताकि इनको भी समझ में आए कि प्रोड्यूसर का दर्द क्या होता है। और जो प्रोड्यूसर इनके पैसे रोक लेते हैं, कम से कम उनको भी समझ में आए कि नहीं, हम आज एक टेक्नीशियन से नहीं, एक प्रोड्यूसर से बात कर रहे हैं। क्या बात है सर, का तो लुक देखिए, फिल्म का पोस्टर देखिए, सबको समझ में आ गया कि इस फिल्म में क्या धमाका होने वाला है। मेरा सवाल अब यामिनी जी से है कि इसमें आप किस तरह का किरदार कर रही हैं, और जहाँ तक हम आपको जानते हैं पर्सनली, सारी जी को ज़्यादा तंग तो नहीं कर रही है? नहीं, मैं कभी